हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि ESIC यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड से आउट की गई है। एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ESIC की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको होम पेज में ही रिक्रूटमेंट सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेकंड नंबर पेज पे वैकेंसी दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग रीजन में ये वैकेंसी है। हम बात कर लेते हैं रीजनल ऑफिस दिल्ली से, दिल्ली NCR रीजन की ये वैकेंसी है। यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं एंड ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक ही वेबसाइट पे सबसे ऊपर में दिया गया है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी दिल्ली NCR के लिए है, अलग अलग डिटेल्स में वैकेंसी दी गई है। आर्डियोमीटर टेक्नीशियन में 3 वैकेंसी है, डेंटल मैकेनिक में 10 है, ECG टेक्नीशियन में 23 है, जूनियर रेडियोग्राफर में 38, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में 24, OT असिस्टेंट में 43, फार्मासिस्ट एलोपैथिक में 91, आयुर्वेदा में 11 है, फार्मासिस्ट होम्योपैथिक में 6 है, रेडियोग्राफर में 10 है, सोशल गाइड सोशल वर्कर के लिए 16 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 275 दी गई है एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा PWD कैटेगरी में भी वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, किस क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है। आर्डियोमीटर टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 की सैलरी है, यहाँ पर 18 से 25 साल की एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा। अगर आपके पास 4 ईयर की डिग्री आर्डियोलॉजी में है, साथ ही 1 ईयर का इंटर्नशिप आपके पास है या आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा के साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ए आर्डियोमीटर टेक्नीशियन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ECG टेक्नीशियन में लेवल 4 की सैलरी है एंड यहाँ पर भी 18 से 25 साल की एज मांगी गई है। अगर आपके पास 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा ECG टेक्नीशियन में है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर रेडियोग्राफर में लेवल 3 की सैलरी है, यहाँ पर भी 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रेडियोग्राफी में होना चाहिए। सोशल गाइड सोशल वर्कर के लेवल 4 की सैलरी है, यहाँ पर 37 ईयर की एज मांगी गई है एंड अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा सोशल वर्क में है, साथ ही आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस फैमिली प्लानिंग सोशल वर्क हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। OT असिस्टेंट में लेवल 3 की सैलरी है, 32 ईयर की एज मांगी गई है, 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस OT में होना चाहिए। फार्मासिस्ट एलोपैथिक में लेवल 5 की सैलरी है, 32 ईयर की एज मांगी गई है। अगर आपके पास डिग्री फार्मेसी या सीनियर सेकेंडरी के साथ में डिप्लोमा फार्मेसी में है, साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट एक्ट 1948 के अंदर में है तो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा में लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर भी है, 18 से 25 साल की एज मांगी गई है, 10+2 साइंस सब्जेक्ट में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी की स्ट्रीम होनी चाहिए, साथ ही आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा में होना चाहिए एंड आपका रजिस्ट्रेशन भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, साथ ही आपके पास डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक या फार्मेसी में होना चाहिए। होम्योपैथिक में भी सेम है, 10+2 के साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होम्योपैथिक या फार्मेसी में मांगा गया, साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। रेडियोग्राफर में यहाँ पर 18 से 25 साल की एज मांगी गई है, 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रेडियोग्राफी के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस रेडियोग्राफी में मांगा गया है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में यहाँ पर भी सेम है, 10+2 के साथ में मेडिकल लेबोरेटरी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल के लिए भी सेम है, 10+2 के साथ में डिप्लोमा मेडिकल डेंटल मैकेनिक में होना चाहिए, साथ ही एक्सपीरियंस भी 2 ईयर का मांगा गया है। एज लिमिट की काउंटिंग 30 अक्टूबर 2023 तक की जाएगी। एज रिलैक्सेशन इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से सभी पोस्ट पर फॉलो यहाँ पे होने वाला है।
एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। बात करें तो SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट सर्विस मैन के लिए 250 की फीस है एंड अदर कैटेगरी के लिए 500 की फीस यहाँ पर रखी गई है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है तो 30 अक्टूबर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पे टेक्निकल प्रोफेशनल लॉ से 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके टेक्निकल नॉलेज से एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, अरिथमेटिक एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स 150 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा जबकि अदर जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस अरिथमेटिक के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 120 मिनट्स का समय यहाँ पर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, 0.25 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा रॉन्ग आंसर देने पे एंड क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर रखी गई है अलग अलग क्राइटेरिया में। बात कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करना होगा, यहाँ पर आप भी करें क्लिक, हियर टू ऑनलाइन सबमिशन का एक लिंक दिया गया है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहाँ फिलअप करनी होगी, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, डिटेल्स को आपको फिलअप करने के बाद प्रीव्यू करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, देन पेमेंट करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।